अगर आप ऐसा सोचते हो या आपके मन में ये चीजें आती हैं कि कोई मेरी इज्जत ही नहीं करता, लोग मेरे को भाव ही नहीं देते, लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, लोग मेरी वैल्यू को समझते ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? हम यही YouTube पर सर्च करते हैं, खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाएं, इज्जत कैसे करवाएं, अपनी इज्जत कैसे करवाएं। ऐसे इज्जत नहीं मिलती भाई। पहले खुद से सवाल पूछो कि ऐसा तुम में क्या है कि लोग इज्जत करेंगे, और ये पूछो कि आप जिनकी इज्जत करते हो वो क्यों करते हो। तो आपको पता चलेगा कि इज्जत वहां पे होती है जहां पहली चीज गरज होती है, यानी कि आपका काम होता है, मजबूरी होती है, और दूसरा जहां ताकत होती है। इंसान ताकत के आगे ही झुकता है, और आपका काम भी वहीं निकलता है जब सामने वाला आपसे ज्यादा ताकतवर होता है, अदरवाइज आप खुद ही काम ना कर लेते। समझ रहे हो ना? एक लड़का है, बहुत अमीर है, और मैं सोचता हूं कि यार उसके साथ रहूंगा, खिला पिला देगा, तो मैं क्या करूंगा? उसकी इज्जत करूंगा, झूठ ही करूंगा, लेकिन इज्जत। और भाई कैसा, अरे यार भाई तू तो यार, अरे यार तू, अरे तूने कह दिया भाई, मतलब समझ ले हो जाएगा यार, तू तू यार ऐसे मत कह यार, प्लीज भाई, भाई भाई करता घूमूंगा। क्यों? उम्मीद है, लालच है कि ये मुझे खिला पिला देगा। अब अगर मेरे पास खुद पे ही पैसा होता तो मेरे को उसकी क्या जरूरत थी। तो जब आप ये बोल रहे होते हो ना, ये बातें थोड़ी खटक सकती हैं आपको, एक गुस्सा आ सकता है आपको, लेकिन ये सच्चाई है। जब आप ये बोलते हो ना कि लोग मेरी इज्जत नहीं करते, आप बार बार ये बोल रहे हो कि आप कमजोर हो, आप कमजोर हो, आप कमजोर हो, क्योंकि अगर आप ताकतवर होते आप ये कभी जिंदगी में नहीं बोलते, नहीं बोलोगे आप कभी भी। देख लेना, कोई भी जो ताकतवर इंसान होता है ना, वो कभी ये नहीं बोलता कि लोग मेरी इज्जत नहीं करते, क्योंकि पहली चीज कि उनको इज्जत मिल रही होती है, बीइंग ऑनेस्ट, सच्चाई अगर मैं आपको बताऊं ईमानदारी के साथ, और दूसरी चीज कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि कोई इज्जत कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि इज्जत करवा के वो क्या करेंगे, उनको पता है मेरे पास ताकत है, मेरे को जो काम करना है मैं वो कर रहा हूं, उसको किसी के आगे झुकना नहीं पड़ रहा है, तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि लोग इज्जत कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अपने आप से सवाल पूछो कि आपको इज्जत क्यों दें लोग, क्या है आपके पास ऐसा, और अगर कुछ नहीं है तो क्यों नहीं है, लाओ ना। ये रोने धोने से कुछ नहीं होगा, आप रोते रह जाओगे। अब अभी कुछ सालों पहले भी रो रहे थे, अभी भी रो रहे हो, और मैं यकीन करो पूरी जिंदगी रोते रह जाओगे कि लोग इज्जत क्यों नहीं करते, लोग इज्जत, और लोग इज्जत आपको नहीं देंगे। लोग आपकी बातें हो सकता है सुन लें, आपको झूठा दिलासा दे दे, अरे कोई बात नहीं यार, सब सीधे कुछ भी नहीं होगा, कोई किसी के लिए नहीं बैठा। ताकत लाओ, ताकत खुद में, झुको मत, झुकाओ, और तभी झुका पाओगे जब आपके पास ताकत होगी। और ताकत कैसी भी ताकत हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जिसमें आपका दबदबा है, और पैसा एक बहुत बड़ी ताकत होती है, कोई भी टैलेंट एक बहुत बड़ी ताकत होती है। सामने वाले को झुकाना सीखो। आप किसी से बातें करो, फॉर एग्जांपल बातें कर रहे हो, आप किसी भी चीज़ में आपकी डिबेट हो गई या आर्गुमेंट हो गया, आप बातें करो करो करो, सामने वाले को आपने धाराशाही कर दिया, सामने वाले को पता लग गया भाई इससे बातों में नहीं जीत सकता, वो आपकी इज्जत करना शुरू कर देगा, अरे नहीं यार भाई तू नहीं, मैं वो सही बात है तेरी, तू सही कह रहा है, वो मैं मानता हूँ तेरी बात, वो खुद ही झुक जाएगा, उसकी बातों में नरमी आ जाएगी, क्योंकि उसको पता है आपके पास ज्यादा नॉलेज है। नॉलेज क्या है? ताकत। ज्ञान क्या है? ताकत। अगर आपके पास पैसा है तो फिर तो लोग झुकेंगे ही झुकेंगे, उसके बारे में तो फिर क्या ही कहा जाए। पैसा अगर आपके पास है तो 90% आपको ये सॉल्यूशन मिल जाएगा कि लोग इज्जत कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। 10% हो सकता है अलग सी चीज़ें हों जो लगता हो लोगों को कि यार नहीं मिल पा रही है, लेकिन 90% आपका काम हो जाएगा, फिर आप ये चीज़ें नहीं बोलोगे। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनके पास पैसा भी है और वो बोले कि यार इज्जत नहीं कर रहा कोई। मैं नहीं मानता कि एक हाक आप में से हो सकता है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। मेरे साथ कभी भी ऐसा मुझे लगा है कि लोग मेरी इज्जत नहीं कर रहे, लोग मेरी वैल्यू को नहीं समझ रहे, तब जब हमें लगता है ना कि यार वो इंसान मुझे छोड़ के चला गया, यार मैं क्या करूँ, क्या मैं इतना बुरा हूँ क्या माँ, मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर हूँ क्या, क्या मैं ऐसा हूँ क्या, लोग मेरे को प्यार क्यों नहीं करते। ये सवाल आप तब पूछते हो जब आपको पता होता है कि आप प्यार के अधिकारी नहीं हो, आप हो ही नहीं ऐसे कि आपको प्यार दिया जाए, तब आप ऐसे सिंपैथी लेते हो कि लोग मुझे प्यार क्यों नहीं करते। आपको पता है आपको प्यार क्यों नहीं करते, क्योंकि आप ऐसे हो ही नहीं कि आपको प्यार किया जाए। बड़ी मुश्किल से कोई इंसान आपके साथ आता है, उसके बाद आप उसके पीछे पड़ जाते हो कि छोड़ के मत जाना, छोड़ के मत जाना, छोड़ के मत जाना, क्योंकि आपको पता है छोड़ के चला ही जाएगा, क्योंकि आप हो ही नहीं ऐसे कि उसको रख पाओ। वो इंसान आखिर में छोड़ के चला ही जाएगा, क्योंकि आपने दिखा ऐसा दिया कि प्लीज़ मत जाना, आपने दिखा दिया कि मत जाओ, फिर तो जाना ही जाना है। और जब वो चला जाता है तो आप और परेशान कि यार मैं क्या करूँ, मुझे लगता है मुझ में ही कोई कमी है। लेकिन जब आप ताकतवर होते हो ना, और ऐसे 5 इंसान आपके पास लगे हुए हैं लाइन में कि हाँ भाई क्या कर रहे हो और कैसे हो, मैसेज मैसेज आ रहे हैं, कॉल पे कॉल आ रहे हैं,
फिर आपको सच में बुरा लगेगा, फिर सच में आप ये सोचोगे कि लोग क्यों ऐसा करते हैं मम्मा, फिर आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है ऐसे लोग और हैं। आप बोलोगे यार रोने का टाइम बाद में आएगा, रो लिया ठीक है, चार और भी तो हैं ना, उनसे तो बातें कर लूँ। उनसे बातें करोगे, फिर जब चार और होंगे तो आठ और हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस है कि है ना इतने लोग बातें करने के लिए, है ना। मतलब मेरा कहने का मतलब सिर्फ बातें करना और पैसे कमाने से नहीं है, मेरा कहने का मतलब है कि जिस चीज़ से रिलेटेड आपको लग रहा है ना कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, तो ऐसा इसलिए कि आप भाई बाबू सिंपैथी मांग रहे हो, वो चीज़ आपके पास है नहीं, खुद में देखो, सच्चाई ढूंढो, ईमानदारी से पूछोगे ना आपको मिल जाएगा जवाब कि इज्जत क्यों नहीं मिल रहा। अदरवाइज आप 10 चीज़ें सर्च कर लेना, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि लोग आपकी इज्जत इसलिए नहीं करते क्योंकि आप ये करते हो, आप ये करना बंद कर दो, वो करना बंद करो, आप मैं कल से यही करूँगा। कुछ नहीं कर पाओगे जब तक ईमानदारी नहीं रखोगे ना खुद से, आप कुछ नहीं कर पाओगे। सामने वाला सही ज्ञान दे रहा है कि ये मत करो, आपको पता ईमानदारी ही नहीं है आपके अंदर, तो आप कहाँ से वो चीज़ अप्लाई करोगे भाई, कहाँ से अप्लाई करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई टिप देता है कि अगर आपकी कोई इज्जत नहीं करता ना, तो ये देखो कि उसने ऐसा क्या कहा है, आपके कोई ना कोई मजबूरी, आपका कोई ना कोई लालच है, तो जो लालच है ना उसको छोड़ दो, तो आप देख लोगे कि सामने वाला आपकी इज्जत करना शुरू कर देगा। और सही वैलिड पॉइंट है, सही वैलिड पॉइंट है ना, कि आप अपने लालच को ख़त्म कर दो, आपको गरज ही नहीं पड़ेगी कि इज्जत दे रहा है नहीं दे रहा, क्योंकि इज्जत चाहिए आपको, तो कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही रहा होगा ना इज्जत लेने से, अदरवाइज आप क्यों रो रहे होते। आप बोल रहे हो कि इज्जत नहीं मिल रही, इसका मतलब इज्जत मिलने से आपको कुछ मिल रहा है, वो जो कुछ मिल रहा है उसको लालच कह रहे हैं। वो इन मॉनिटरी टर्म्स भी हो सकता है, पैसे से रिलेटेड हो सकता है, या कुछ भी, आपको अंदर से कोई सुख प्राप्त हो सकता है, आपका ईगो सेटिस्फाई हो सकता है, कुछ भी, वो लालच आप छोड़ दो, आपको ये पड़ेगा ही नहीं कि वो इज्जत दे रहा है नहीं दे रहा। और जब यही नहीं रहेगा कि इज्जत दे या मत दे मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो सामने वाले इज्जत अपने आप देना शुरू कर देगा। ये एकदम सही पॉइंट है, लेकिन इसके लिए ईमानदारी चाहिए कि आप पूछो कि लालच क्या है आपका उससे, किस क्या मजबूरी है आपकी जो उससे आप इतना ज़्यादा चिपक रहे हो, इतनी लालसा रख रहे हो कि इज्जत दे इज्जत दे इज्जत दे। ईमानदारी आपके अंदर है क्या? नहीं है भाई, नहीं है, नहीं होती, हम लोगों में इतनी ईमानदारी नहीं होती। हम अगर इतने ही ईमानदार हो जाएंगे तो वो एक ऐसा दिन आ जाएगा ना जहाँ हम बोलेंगे मत दो इज्जत, नहीं चाहिए तुम्हारी ये झूठी इज्जत, अपने पास रखो, क्योंकि हमें पता है कि जो इज्जत तुम हमें दे रहे हो उसके पीछे तुम्हारी मंशा क्या है। और जब इतना ज्ञान प्राप्त कर लोगे फिर तो क्या ही रह जाएगा। पर ये ज्ञान कहाँ से मिलता है, ईमानदारी हम लोग में होती कहाँ है, ये बातें हमें हवा हवाई लगती हैं, हमें बातें वही समझ में आती हैं जो बहुत सिंपल होती हैं, लेकिन जो सिंपल चीज़ें होती हैं वो सच्ची नहीं होती। जो आपको लगता है ना कि यार ये तो नहीं हो पाएगा, वही वो चीज़ है जो निवारण कर देगा। जब आपको लगे ना कि यार ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा, अगर मेरे को इज्जत चाहिए और तुम बोल रहे हो ये करो ये तो नहीं हो पाएगा, वही वो इलाज है जिससे आपको इज्जत मिल जाएगी। लालच छोड़ दो, सामने वाले लालच छोड़ दो, सामने वाले से मेरे को पैसे खर्च करवाने हैं, सामने वाला अमीर है, मैं सोच रहा हूँ कुछ खिला पिला देगा, छोड़ दो ये उम्मीद कि कुछ खिलाएगा पिलाएगा, भाड़ में जा उसके बाद, चाहिए नहीं तेरे पैसे। लेकिन इतना कहाँ हो पाएगा मुझसे, हम ऐसे होते कहाँ हैं, हम ऐसे ही होते तो क्या ही बात होती। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको समझ में क्या आया है। वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।